The Lallan Top Show is sponsored by Khata Book. Business hua easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। अब बात करेंगे देश से जुड़े एक और जरूरी मसले की, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की। बहुत ही इमोशनल मसला है ये। हर कोई इस पर अपना अपना पक्ष रखता है, राय रखता है, बहस करता है। किसी के लिए नौकरी पाने की उम्मीद है तो किसी के लिए ये नौकरी में बराबरी का मौका ना मिलने की वजह। जो विरोध करते हैं उनके अपने तर्क, जो समर्थन करते हैं उनके अपने। ऐसे में सवाल ये पूछा जाना चाहिए सबसे पहले कि देश में संविधान की व्यवस्था क्यों की गई और संविधान में इस चीज़ की व्यवस्था क्यों की गई। संविधान की व्यवस्था की गई ताकि हमारा देश, हमारा राज्य ठीक से चले। और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, SC ST के आरक्षण की, क्योंकि ये संविधान में वर्णित है। इस सोच के साथ कि जिन समुदायों के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके साथ छुआछूत हो रहा है, उनको उतनी सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षा में उनका हक नहीं है, वो आज़ाद भारत में बराबर कैसे आए, इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से मदद मिली। और इसी सोच के साथ एक टाइम पीरियड के लिए, एक तय समय सीमा के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। पर क्या जिस मकसद से आरक्षण लागू किया गया वो पूरा हुआ? अगर हो जाता तो अभी इतनी गर्मा गर्म बहस नहीं होती। इसके बाद OBC आरक्षण आया 90 के दशक में, और फिर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्रीमी लेयर का सिद्धांत, ताकि आरक्षण का लाभ जो सही लोग हैं उनको टारगेटेड तरीके से दिया जा सके। ऐसा ना हो कि पिछड़ी जातियों में ऐसे समूह बन जाएं जो आगे बढ़ जाएं और आरक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी हत्याते रहें या उसका इस्तेमाल करते रहें। और यहीं से ये बहस शुरू हुई कि क्या SC ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्या SC ST में भी कुछ समूहों की प्रगति का हवाला देकर वहाँ पर क्रीमी लेयर का दावा किया जा सकता है, क्या SC ST में भी क्रीमी लेयर होने से SC ST का ही नुकसान हो रहा है क्योंकि जो असली ज़रूरतमंद हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। ये बहस सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से फिर से शुरू हो गई है। गुरुवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि SC वर्ग में शामिल सभी जातियों के कल्याण के लिए आरक्षण है, लेकिन कुछ जातियों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, वो क्रीमी लेयर में शामिल हो गई हैं, इसलिए गैर बराबरी हो रही है। ये ऐसा है कि एक ग्रुप में फलों की पूरी टोकरी दूसरों की कीमत पर सिर्फ ताकतवरों को नहीं दी जा सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि SC ST में भी कुछ ही जातियों को आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिल रहा है और कई जातियां आरक्षण ऑन पेपर होने के बावजूद वंचित हैं इससे, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रही हैं। इसलिए 5 जजों वाली बेंच ने चीफ जस्टिस के पास 7 जजों की संवैधानिक पीठ बनाने का प्रस्ताव भेजा है। ये पीठ इस मामले पर विचार करेगी कि क्या SC ST कोटे के भीतर भी कोटा बनाया जाए ताकि वंचितों को उनका लाभ मिले, या फिर जिस तरह से OBC में ऊपरी तबके को क्रीमी लेयर में रखकर आरक्षण से दूर रखा जाता है, वैसा ही SC ST में भी किया जाए। ये डिबेट कैसे शुरू हुई, कितनी पुरानी है, ये जान लीजिए। कई राज्यों ने ये माना है कि उनके यहाँ SC ST आरक्षण का फायदा कई जातियों को नहीं मिल रहा, और इसके बाद उन राज्यों ने वंचित जातियों के लिए SC ST आरक्षण में ही अलग आरक्षण की व्यवस्था की। महादलित की बात कही गई, महा आदिवासी की बात कही गई। जैसे आंध्र प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, साल 2000 में जस्टिस रामचंद्र राजू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कानून पास किया जिसमें SC के भीतर 57 ऐसी जातियों की पहचान की गई और उसके आधार पर ST आरक्षण को कई छोटे हिस्सों में बांटा गया। लेकिन इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया जिसे अब तक नज़ीर की तरह, उदाहरण की तरह पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाली बेंच ने 2005 में ये फैसला दिया, सजातीय समूह वाला। इस फैसले में एक बात और थी, SC ST वर्ग में कौन सी जातियां शामिल हो सकती हैं इसका फैसला राज्य नहीं कर सकते, यह अधिकार संविधान के हिसाब से सिर्फ केंद्र के पास है। संविधान ये तो कहता है कि बराबरी के लिए SC और ST के लिए खास प्रावधान हो, लेकिन ये नहीं कहता कि SC ST में कौन सी जातियां आनी चाहिए। ये केंद्र सरकार के जिम्मे छोड़ दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 341 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि कौन कौन सी जातियां SC में आएँ और कौन सी ST में। राष्ट्रपति के जारी नोटिफिकेशन में किसी जाति का नाम हटाने या जोड़ने के लिए संसद कानून पास कर सकती है। एक बात और,
SC/ST में उन जातियों को आरक्षण है जो जातिवाद की शिकार रही हैं, जिनके साथ छुआछूत हुआ था, भेदभाव हुआ था। इसलिए कौन सी जाति आर्थिक रूप से कमजोर है, ये आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता। 2005 वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर किसी को SC/ST में शामिल नहीं किया जा सकता। सामाजिक और ऐतिहासिक वजहें भी होनी चाहिए। इसके बाद अगले साल यानी कि 2006 में पंजाब सरकार ने पंजाब में मजहबी सिख और वाल्मीकि समुदाय को आरक्षण में प्राथमिकता देने का कानून बनाया। इसे भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने कानून को असंवैधानिक माना और फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जिस पर कल सुनवाई हुई थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ही कह दिया था कि SC/ST आरक्षण में जाति के आधार पर और कैटेगरी नहीं हो सकती, इसलिए इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मामला लार्जर बेंच यानी कि 7 जजों की बेंच को भेजा गया कि 5 जज साहबों ने तय किया था, अब इसको रखना है या पलटना है, ये 7 जज साहबों की बेंच तय करेगी। इस फैसले के कानूनी पहलू भी हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर कैलाश झीगर से बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले में, सवाल दरअसल आरक्षण के भीतर आरक्षण का नहीं है बल्कि आरक्षण के भीतर प्राथमिकता का है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि क्यों न संपन्नता के आधार पर SC/ST में भी सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। लेकिन क्या ये संवैधानिक है? संविधान सभा की बैठक और अनुच्छेद 16 में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इंदिरा सानी के केस में भी कोर्ट ने ये तो कहा कि पिछड़ी जातियों में उपवर्गीकरण हो सकता है, लेकिन SC/ST को इससे अलग रखा। मेरा मानना है कि चिन्या मामले में कोर्ट की राय ठीक है और आरक्षण के उद्देश्य को पूरा करती है कि SC एक होमोजेनियस या एकल कैटेगरी है, क्योंकि जातिगत भेदभाव और अत्याचार का शिकार SC की हर जाति का व्यक्ति होता है। NCRB की रिपोर्ट इसका प्रमाण है। मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला आरक्षण की मूल अवधारणा के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। SC/ST आरक्षण को लगभग 70 साल हो चुके हैं, इसलिए ये रिव्यू करना ज़रूरी है कि क्या हर समुदाय को इसका फ़ायदा मिल रहा है, क्या इस व्यवस्था से समाज में हम बराबरी ला पा रहे हैं, तभी आरक्षण की सार्थकता साबित होगी। इस मामले में जो भी अपडेट आएंगे हम आपको देते रहेंगे।